दोस्तों, इजिप्ट और भारत दोनों ही पुराना प्राचीन सभ्यता वाला देश है। भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी जीडीपी $3 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं इजिप्ट मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली इस्लामिक देश में से एक है, जिसकी जीडीपी करीब 450 बिलियन तक पहुंच चुकी है। दोनों ही देशों के रिश्ते काफ़ी मित्रतापूर्ण रही हैं और भारत ने 1956 स्वेज नहर विवाद और उसके बाद 1957 अरब इजराइल युद्ध में भी इजिप्ट को ही सपोर्ट किया था। हालांकि इस्लामी संगठन के कुछ देशों की भारत के साथ दुश्मनी के चलते फैलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा से प्रभावित होते हुए इजिप्ट कभी कभी भारत के खिलाफ भी बोल जाता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में होता ही रहता है, जहाँ कोई भी देश परमानेंटली किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम वर्तमान समय में इजिप्ट और भारत की करंट मिलिट्री फायर पावर के बीच क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, इजिप्ट के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें करंट पॉपुलेशन से, तो जहां भारत की वर्तमान पॉपुलेशन 138 करोड़ से 140 करोड़ हो चुकी है, इसके मुकाबले इजिप्ट की करंट पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। डिफेंस बजट देखें तो भारत का डिफेंस बजट इस साल के लिए 70 से 71 बिलियन डॉलर के बीच है। वहीं इजिप्ट का डिफेंस बजट यूं तो 4 बिलियन के बीच रहता है, जो कि 7 से 10 बिलियन डॉलर तक भी पहुँच जाता है। भारत दुनिया के चुनिंदा न्यूक्लियर पावर रखने वाला देशों में से एक है, जिसके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। इजिप्ट के पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 74 लाख से ज़्यादा यूनिट इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में है। वहीं इजिप्शियन मिलिट्री में 4.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। जमीनी ताकत में भारत के पास 4,700 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक है। वहीं इजिप्ट के पास भी फिलहाल 3,700 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक है। इनके करीबन 600 से 700 मैन बैटल टैंक स्टोर में भी है। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की 2,500 और करीबन 10,000 यूनिट आर्मेड व्हीकल की इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। इजिप्ट के पास इन्फेंट्री और आर्मेड व्हीकल की 10,000 से ज़्यादा यूनिट मौजूद है। रॉकेट लॉन्चर 1,300 यूनिट इंडियन आर्मी के पास है। इजिप्ट के पास 1,230 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में इंडिया यूज़ करता है सबसे एडवांस रशियन S-400। इंडिया इजराइल द्वारा ब्रैकेट आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम स्पाइडर और इसके साथ ही QRSAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अगर हम इजिप्ट के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजिप्ट इस्तेमाल करता है रशियन S-300 अमेरिकन पेट्रियट लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जर्मन आयरिश TSL मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बाद हवाई ताकत में भारतीय मिलिट्री के पास 2,200 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 560 से ज़्यादा इंटरसेप्टर और फाइटर यानी मल्टी रोल जेट मौजूद है। वहीं 130 के करीब डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट है। इसके बाद सेना के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री हेलीकॉप्टर की करीबन 900 यूनिट का इस्तेमाल इंडियन मिलिट्री करती है। वहीं इजिप्ट के पास सभी प्रकार के 1,060 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसमें 350 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट मौजूद है। 400 से ज़्यादा सभी प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं। इजिप्ट के पास भारत से ज़्यादा अटैकर हेलीकॉप्टर मौजूद है। समुद्री ताकत में भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्ट के पास कोई भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं है, लेकिन इनके पास 2 मिस्ट्रल क्लास के एम्फीबियस असॉल्टी शिप मौजूद है। साथ ही लैंडिंग हेलीकॉप्टर कैरियर भी इनके पास मौजूद है। वहीं डिस्ट्रॉयर शिप की 10 यूनिट इंडियन नेवी के पास है। इजिप्ट के पास कोई भी बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फिलहाल भारत के पास केवल 12 एक्टिव फ्रिगेट मौजूद हैं। वहीं इजिप्ट के पास भी 13 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स में इंडियन नेवी के पास केवल 21 कॉर्वेट्स एक्टिव कंडीशन में हैं, तो वहीं इजिप्ट के पास कॉर्वेट की संख्या केवल 7 है। सबमरीन्स में भारतीय नेवी के पास 17 एक्टिव सबमरीन्स हैं। वहीं इजिप्ट के पास करीबन 8 सबमरीन मौजूद है, जिसमें से बताया जाता है कि 4 सबमरीन काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं।
केवल ट्रेंडिंग पर्पस के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद था भारत और इस्लामिक देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर। जिस तरह से इस्लामिक देश भारतीय सामानों का बहिष्कार करने पर उतर आए हैं, उससे तो यही समझा जा सकता है कि कोई भी देश परमानेंटली दुश्मन या दोस्त नहीं होता, क्या पता कब क्या हो जाए। दोस्तों, अगर आपको सभी इस्लामिक देश के मिलिट्री पावर एक तरफ और भारतीय मिलिट्री पावर एक तरफ, इसकी कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।